Now I'm going to make a Burmese delicacy for you, khao sve. इसके अंदर इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं, इतने सारे टेक्सचर्स हैं जो मिलके इस डिश को एक सुपर हिट डिश बनाते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं बाय चॉपिंग जुकीनी. इसके हम स्लाइसेस काटेंगे. साथ में मैं इसमें चॉप करूंगी कैरेट. आप जैसा चाहें इसको काट सकते हैं, चाहे तो स्लाइस कर सकते हैं, चाहे तो राउंड कर सकते हैं. मैं इसको डायगनल काट रही हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू कट बेबी कॉर्न. अब जाएंगे बीन्स. एंड वी आर डन. अब हम पैन को हीट करेंगे और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल. अराउंड 2 tablespoons ऑफ ऑयल. और इसके अंदर हम सॉटे करेंगे जिंजर एंड गार्लिक. गार्लिक एंड फाइनली चॉप्ड जिंजर. इसको हम सॉटे करेंगे एटलीस्ट फॉर अ मिनट ऑन हाई फ्लेम. अब इस स्टेज में इसके अंदर हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियंस. अब इन सारी चीजों को हमें सॉटे करना है. इस स्टेज पे इसके अंदर जाएगा लेमन ग्रास. इसको सिर्फ लाइटली क्रश करके इसके सारे जूसेस निकाल के हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे. अब जो सारी वेजिटेबल्स मैंने काटी थी वो इसके अंदर डाल रही हूँ. बीन्स, जुकीनी, कैरेट्स, बेबी कॉर्न. आई जस्ट लव वेजिटेबल्स. और साथ ही में इसके अंदर जाएगा ब्रोकली, कॉलीफ्लावर. इसको हम अच्छे से स्टर करेंगे. अब आप देख रहे हैं ये वेजिटेबल सॉटे हो रही हैं और मैंने बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है. अब इसके अंदर मैं हल्का सा ऑयल डालूंगी और साथ ही में इसके अंदर जाएगा बेसन. और जो सेंटर पार्ट में मैंने ऑयल डाला है उसके अंदर मैं ये 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ. अब हमें इस बेसन को भूनना है ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो निकल जाए. अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ सारी वेजिटेबल्स के साथ ताकि ये टोस्ट हो जाए. इसकी खुशबू से ही आपको पता चल जाएगा कि बेसन भुना है या नहीं. वंस दैट इज डन आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, जस्ट अ पिंच ऑफ इट. स्टर. अब हम इसमें डालेंगे पानी. I'll just give it a quick stir. और इसको हम कवर कर देंगे और इसे बॉईल होने देंगे. अब हमारा खाओ से बॉईल हो रहा है. इसको हम स्टर करेंगे. आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स कुक हो चुके हैं. इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाला हुआ जो लेमन ग्रास है उसको डिस्कार्ड कर दूंगी. इसमें लेमन ग्रास का पूरा फ्लेवर आ चुका है जैसे हमें चाहिए था. अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा चिली ऑयल,
थोड़े से चिली फ्लेक्स। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप और ज़्यादा चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, आप ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं। और इसके अंदर अब मैं डालूंगी टोफू। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टोफू नहीं है ये, क्योंकि खाउसुए एक कंप्लीट मील है, इसलिए इसके अंदर सारे प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, विटामिन सब चीज़ जाती है। तो अब मैं इसमें ये टोफू डाल रही हूँ, और जब ये बॉईल होगा उस स्टेज पे इसके अंदर मैं डालूंगी कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क एक क्रीमी टेक्सचर देगा इसको, और साथ ही में इसका जो फ्लेवर है वो बहुत इन्हांस कर देगा। लेमन ग्रास और वेजिटेबल स्टू जो भी है, सारे फ्लेवर्स एकदम उभर के आएंगे, और एक हल्की सी मिठास भी आती है कोकोनट मिल्क से। ये बॉयल हो चुका है, अब मैं इसको सर्व करने की तैयारी करती हूँ। मैंने ऑलरेडी इसके कॉन्डिमेंट्स तैयार करे हुए हैं। ये है चॉप्ड ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन, उसका जो ग्रीन पार्ट है ये वो है। ये है टोस्टेड एंड सॉल्टेड पीनट्स, बहुत आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। ये है फ्राइड गार्लिक, इसको आप चाहें तो और ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं, गोल्डन कर सकते हैं। और साथ ही में इसके साथ जाएंगे फ्राइड अनियंस, ये स्लाइस्ड हैं और इनको फ्राई करके रख दिया है। और साथ ही में इसके साथ जाएगा चिली ऑयल, जो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है खाउसुए को। ये सारी चीज़ें मिलके इसको एक कंप्लीट मील बना देती हैं। हमारा खाउसे तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं कितना क्रीमी है और काफ़ी गाढ़ा भी है। अब हम इसे प्लेट करेंगे। प्लेटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी बॉयल करे हुए हैं ये राइस वर्मिसेली। इट्स वेरी क्विक एंड इजी टू बॉयल, आप इसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए पैक के पीछे एंड दे आर रेडी। और उसके बाद बनते ही, इसको बॉयल करते ही इसको ठंडे पानी में डाल दीजिए। तो ये मैंने ऑलरेडी बॉयल करे हुए हैं, ये मैं अपने खाउसे के बोल में डालूंगी सबसे पहले। अगर स्ट्रैंड्स बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे हैं तो यू कैन चॉप देम ऑफ, बिकॉज खाने में भी आसान होने चाहिए। हियर वी गो। और ये खाउसुए अब इस बोल में सर्व होगा। और ये है हमारा खाउसुए, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लेमन डालूंगी, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इट। लेमन की जो खटास है वो बाकी सारे फ्लेवर्स को उठा देगी। और इसको हम ड्रेस कर देते हैं थोड़े से फ्राइड अनियंस के साथ। और ये तैयार हो गया हमारा वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू मेक खाउसुए।